हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद। आज हम लोग क्लास टेंथ के एनसीईआरटी के मैथ में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 6 देखने वाले हैं। उससे पहले प्रश्न संख्या 5 तक देख चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि कोई भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया आपका कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है आपका, यानी 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। जब वह 30 मीटर ऊंचे भवन की तरफ जाता है, जब वह लड़का इस भवन की तरफ जाता है, 30 मीटर जो ऊंचा भवन है इसके तरफ जाता है, तब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना देता है। यहाँ उसके आँख से है ना, उसके आँख से कितना 30 डिग्री बना देता है। तो हम मिला देते हैं उसको पहले, अब देखिए फिर अब क्या बोल रहा है कि आँख से भवन के शिखर उन्नयन कोण 30 डिग्री बना देता है। और तब फिर क्या होता है, वो 60 डिग्री हो जाता है। जब वह उसके जो आँख के सामने सामने जो होता है ना क्षैतिज, यानी देखता है तो यहाँ पे आता है उसका आँख के सामने सामने। तो सबसे पहले फिर हम उसको बना लेंगे, यानी ड्रॉ कर लेंगे, यानी इसके समांतर देखता है ना, समांतर देखता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कुछ दूरी पर आता है वो लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का। यहाँ पे जो आता है बीच में तो वो फिर क्या देखता है, यानी शिखर की तरफ देखता है। जो ऊंचा भवन है 30 मीटर का वो ऊपर देखता है, तो क्या होता है उसका 60 डिग्री बना देता है ना। तो अब उसको हम फिर मिला देते हैं। देखिए अब उसको हम फिर मिला देते हैं। अब यहाँ पे इसको भी मिला देते हैं। यहाँ पे ना आके हो रहा है लड़का का, यहाँ पे आके वो देख रहा है तो कितना 60 डिग्री का कोण बना देता है। अब यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। और ये आपका कितना बना दिया, 60 डिग्री बना दिया। अब यहाँ पे हमको अब दिखाइए, देखिए बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। यानी लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का यहाँ तक आया तो कितना दूरी तय किया, तो ये हमको निकालना है ना। तो इसको हम यदि x मान ले, हमको ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, और इसको यदि y मान ले है ना। अब उसको हम नामकरण दे दे यदि इसको है ना, ये फिगर है ना, वैसा नहीं बनाना है, समझाने के लिए है, एग्जाम में वैसा नहीं बना, एग्जाम में बनाना है आपका ऐसा बनाना है ना, आपका ऐसा बनाना है। अब इसको जैसे जैसे है वैसे वैसे बना देते हैं। अब यहाँ पे यानी 1.5 मीटर क्या है, लंबा लड़का है आपका, ये 1.5 मीटर। पाँच मीटर लंबा है। अब यहाँ पे
क्या था कि ये आपका क्षैतिज था, इसके समांतर है ना, ये आपका क्षैतिज है। अब यहाँ पे देखिए उसको मिला देते हैं पहले, मिला दिए। अब फिर क्या करेंगे देखिए, अब फिर है यहाँ पे देखिए, बीच में इसको मिला देंगे। यहाँ से कितना 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपका क्या है 30 मीटर है ना ऊंचा, ये आपका 30 डिग्री का कोण बना देता है। ये आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से फिर 60 डिग्री का कोण बनाता है, मिला देते हैं उसको, मिला दिए। अब उसको, अब ये नहीं, उसको क्या करेंगे, नामकरण दे दीजिए। अब ये तो आपका 30 डिग्री बन गया और ये 60 डिग्री बन गया, अब इसको नामकरण दे दीजिए। देखिए ये तो एक्स था, एक्स ही माने थे ना, यहाँ भी देखिए ये क्या एक्स माने थे और ये वाई आपका। अब इसको नामकरण दे दे, तो इसको यदि ए मान ले, इसको यदि बी मान ले, इसको यदि सी मान ले, इसको डी मान ले। अब क्या निकालना है हमको, एक्स निकालना है, यानी कितना दूरी चल के गया है। हम एक्स भी नहीं मालूम है और वाई भी नहीं मालूम है। अब देखिए ये आपका थीटा के सामने सामने क्या बन गया, ये लंब बन गया। यहाँ पे देखिए 1.5 मीटर ये लंबा लड़का है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये 1.5 मीटर हो जाएगा है ना। आ 1.5 मीटर, आ यदि 30 में से 1.5 मीटर गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, 28.5 मीटर हो जाएगा है ना। अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि माना कि भवन की ऊंचाई क्या है, ए बी आपका भवन की ऊंचाई है, लड़के की ऊंचाई सी डी है, यही है ना, जो 1.5 मीटर लंबा है, तथा बिंदु डी, डी क्या है ये लड़का का आँख है ना, लड़के की आँख है, और आँख से भवन के उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। यहाँ से जो लड़का देख रहा है यानी शिखर पर देख रहा है, तो क्या हो 30 डिग्री बना रहा है, और फिर कुछ दूर आगे चलकर यहाँ से फिर देख रहा है, तो कितना 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, यही लिख दिए हैं। और यहाँ पे देखिए डी ई बराबर, यहाँ पे ई है ना, डी ई बराबर क्या हो जाएगा एक्स, और ई एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई। और यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे क्षैतिज जो यहाँ से जो देख रहा है यहाँ पे सबसे पहले, तो ये क्या हो गया क्षैतिज हो गया आपका, यानी इसके समांतर है, तो ये 1.5 मीटर है, तो ए या बी क्या हो जाएगा आपका 1.5 मीटर हो जाएगा। और फिर ए आपका यानी बी एफ क्या हो जाएगा, फिर 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिख दीजिए, 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर हो गया आपका। अब फिर देखिए यहाँ पे देखिए, यानी निकालेंगे उसको हम, यानी समकोण त्रिभुज बी डी एफ, यानी देखिए थीटा के सामने सामने क्या है लंब है, यहाँ भी क्या है लंब है, यानी बी डी एफ निकालेंगे या फिर बी ई एफ निकालेंगे है ना। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी एफ में अब क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए ये क्या हो गया लंब हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, तो लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा। तो अब यहाँ पे टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी एफ क्या हो जाएगा, देखिए लंब बी एफ हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा डी एफ हो जाएगा, डी और एफ डी एफ। अब यहाँ पे बी एफ कितना है,
यहाँ पे बी एफ कितना है 28.5 और डी एफ कितना है एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना, 28.5 और एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है बराबर 28.5/x+y। तो अब यहाँ पे क्रॉस बाय गुना करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 28.5√3, इसको समीकरण एक मान लेंगे, है ना। अब फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि बी ई एफ में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा के सामने सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ई एफ समकोण त्रिभुज फिर बी ई एफ में, है ना। अब यहाँ पे एक लंब और ए आधार हो जाएगा, तो लंब और आधार में क्या होता है टेन थीटा होता है, तो टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब क्या है बी एफ और आधार क्या है ई एफ है ना, बी एफ और ई एफ। बी एफ का मान क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 28.5 है, 28.5 और ई एफ का मान क्या है यहाँ पे, ई एफ का मान क्या है वाई है, क्या है वाई है। अब यहाँ पे टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3 होता है, क्या होता है √3, 28.5/y। तो इसको यदि क्रॉस बाय गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 × y बराबर 28.5, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 28.5/√3, है ना, √3। यदि हम y का मान यदि समीकरण एक में रख दे, y का मान समीकरण एक में रखने पर y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर 28.5√3 है, तो और यहाँ पे y बराबर कितना है 28.5/√3, तो यहाँ पे x प्लस वाई का मान क्या है 28.5/√3 बराबर, और x प्लस वाई तो यहाँ पे कितना है बराबर 28.5√3, 28.5√3। अब x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 28.5√3 माइनस ये प्लस में इधर आए तो क्या हो जाएगा इधर आएगा तो 28.5/√3। अब फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 − 1/√3 आ जाएगा, है ना। देखिए 28.5√3 यहाँ पे 28.5 आप गुने 1/28 √3 वापस आ जाएगा इतना। अब देखिए 28.5 × इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 में एक से भाग देंगे तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए x बराबर 28.5 × 3 − 1 क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसको हम क्या करेंगे √3 को ऊपर नीचा गुना कर देंगे यानी प्रमेयकरण कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 28.5 × 2 × √3/√3 क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, क्या जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि उसको हम 3 से यदि काटेंगे 9.5 आ जाएगा, 9.5 × 3 क्या आ जाएगा 28.5। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 9.5 × 2 × √3 9.5 × 2 क्या आ जाएगा 19 × √3 तो क्या हो जाएगा 19√3
3 मीटर, यानी एक्स किसको माने थे, क्या मांग रहा है, यानी लड़का भवन की ओर कितना मीटर जाता है, 19√3। एक्स माने थे, यहीं पे ना माने थे एक्स, या क्या है, यहाँ पे लड़का जा रहा है तो यहाँ पे इसको यही ना निकालना था कितना दूर जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स इसको माने थे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, 19√3। तो इसका मतलब लड़का भवन की ओर, लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चल कर गया। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।